Good morning, Standard 3. Today we will have exercise 16 of the chapter 10. That is chapter 10. Okay. Some of the questions I have written on the board, and I am going to solve one by one. You also will do. Okay. Like I am solving. Okay. See that. Question number 1, find addition, unit. 6 plus 4, how much? 10, okay, 6 plus 4 is 10, so I will write here 0, 1 will be taken as carry, right, and that 1 will be added into the 10th place when I will add the digit of 10th place, right, like addition with addition, subtraction, multiplication, division, everything we will do, right? Like normally we are doing. Okay. So that is 3, 1 plus 3, 4 plus 1, 5. Similarly, big B, 5 plus 4, 9, 4 plus 1, 5. Matlab means 59 minutes. Okay. Is tarah se aap question number 1 kar sakte hain. मिनट्स लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ऊपर में लिखा हुआ है तो हमें समझ में आ जाएगा ये 50 मिनट से या 59 मिनट से. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एक कलम आवर्स का दिया है, एक कलम मिनट का दिया है, तो मिनट को मिनट्स में ऐड कर लो. 3 प्लस 5 8, 1 प्लस 1 2, ये हो गया 28 मिनट्स. 2 प्लस 4 6, 1 प्लस 1 2, सो 26 आवर्स एंड 28 minutes, right? And the bit B also, 8 plus 0, that is 8, 2 plus 1, 3, 38 minutes, 4 plus 5, 9, and this is 1, 19 hours and 38 minutes. Okay. Question number 3, it's saying you will add like this. 30 minutes plus 25 मिनट. सो एडिशन करने के लिए हमें इसको भी इस तरह लिखना पड़ेगा. 3 नंबर ए का मैं यहां पढ़ता हूं 30 मिनट, बस मिनट को राइट में लिखना है क्योंकि जैसे लिखा हुआ है 25 मिनट मैंने ऐड कर दिया तो ये हो गया 5 मिनट. 0 प्लस 5 5, 3 प्लस 2 आल्सो 5, तो ये हो गया 59 मिनट. हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हैंस ये देयरफॉर का सिंबल है, 30 मिनट प्लस 25 मिनट इज इक्वल टू 55 मिनट. दिस इज द करेक्ट आंसर. ओके, बिट बी आल्सो हम लोग सेम करेंगे. 3 आवर्स एंड देन 2 आवर्स ऐड कर लो, ये हो जाएगा 5 आवर्स. तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर का साइन देके 2 आवर प्लस सॉरी 3 आवर प्लस 2 आवर इज इक्वल टू 5 आवर. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 4 से सब्ट्रैक्शन शुरू होती है. यहां पर भी हम लोग ऐसे ही करेंगे. आप देख सकते हैं 5 से 4 जाएगा, ठीक है, काउंट कर लो 1 2 3 4 5, यहां से 4 माइनस कर दो 1 2 3 4, ये माइनस हो गया 4, तो कितना रहा ओनली 1. ओके, दिस इज 1 एंड 5 से 1 जाएगा तो 4, तो ये हो जाएगा 41 मिनट. इसने देयरफॉर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये कलम में दिया है तो कलम में ही जो कुछ निकलेगा वही निकलेगा, ठीक है. यहाँ 6 माइनस 8 तो पॉसिबल नहीं है, यहाँ हम लोग को एक बोरो लेना पड़ेगा, राइट, जो हम बहुत पहले कर चुके हैं. तो 3 से यहाँ बोरो आएगा तो ये हो जाएगा 16. अब 16 से 8 जाएगा तो 8 ही होगा. अब यहाँ रहा आपका 2, 2 से 1 जाएगा तो 1, तो 18 मिनट. ओके, सब्ट्रैक्ट में यहाँ पर भी आवर एंड मिनट का दिया हुआ है, सो मिनट को मिनट से सब्ट्रैक्ट करना है, आवर को आवर से सब्ट्रैक्ट करना है. अगर बोरो की जरूरत पड़ेगा तो हम कहीं से भी ला सकते हैं, ठीक है. बोरो अगर 1 प्लेस में जरूरत होता है, जैसे कि हम 10th प्लेस से लाते हैं, 10th प्लेस में जरूरत पड़ेगा तो हम 100th प्लेस से लाएंगे, 100th प्लेस में जरूरत पड़ेगा तो हम 1000th प्लेस से लाएंगे, 1000th प्लेस में जरूरत पड़ेगा तो हम 10000th प्लेस से ले आते हैं, राइट, 1 1 करके लाते हैं, राइट. सो दैट इज इक्वल टू वी विल what that is 0 minus 2 is not possible,
5 से 1 आएगा तो यहाँ हो जाएगा 10, 10 माइनस 2 हो जाएगा आपका 8, दिस इज 8 एंड ये 4 माइनस 3 हो जाएगा 1, उसके बाद 6 माइनस 7 हो जाएगा कितना 1, पॉसिबल नहीं है तो टोटल 1 ही कर ले रहे हो यहाँ से, ठीक है तो 16 हो जाएगा, 16 माइनस 7 कितना होगा आप काउंट कर लो, मेरा कैलकुलेशन तो 9 बोलता है, ठीक है तो ये हो जाएगा 9, सो 9 आवर एंड 18 मिनट्स, ये थे आपका क्वेश्चन नंबर 4 का। अब 5-6 में क्या दिया हुआ है, 5-6 में भी बिल्कुल ऐसे ही दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 में ये तो हम कर चुके हैं, इस तरह से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ स्टेटमेंट वगैरह दिया हुआ है, स्टेटमेंट तो नहीं है, लाइन्स में दिया है कि सब्ट्रैक्ट बिट ए का, ओके सब्ट्रैक्ट 18 मिनट फ्रॉम 39 मिनट, ठीक है तो फ्रॉम मतलब 39 मिनट से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 39 मिनट, ओके 18 मिनट को सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट कर लो, दिस इज हो जाएगा 1 एंड दिस इज 2, तो 21 मिनट हो जाएगा, राइट, दिस इज सिंपली द आंसर, ओके ये बिट ए था। सिमिलरली यहां पर भी बिट सी के बारे में बोलता है, सी के बारे में सब्ट्रैक्ट 6 आवर 14 मिनट फ्रॉम 12 आवर 54 मिनट, राइट तो 12 आवर 54 फ्रॉम इसको बोला है, फ्रॉम जहां से फ्रॉम जो बोलता है वो सबसे पहले हमें ऊपर में लिखना है, राइट 12 आवर 54 मिनट, ओके दिस इज इक्वल टू ना सॉरी 6 आवर एंड 14 मिनट माइनस कर दो, ठीक है दिस इज 4 माइनस 4 0, 5 माइनस 1 4, तो ये हो गया इतना मिनट, अगेन 12 से 6 जाएगा तो 6 आवर, आप लोग का आंसर आंखों के सामने है 6 आवर एंड 40 मिनट, ओके स्टूडेंट इस तरह से आप एक्सरसाइज 60 कर सकते हैं। नाउ हम एक्सरसाइज 61 में जाएंगे, यहाँ पर कुछ 4-5 वर्ड प्रॉब्लम्स है, ठीक है बिल्कुल बहुत इजी है, देखिए मैं सॉल्व करता हूँ आप फिर देख लीजिए एक बार करना क्या है, कुछ नहीं जैसे हम नॉर्मली करते हैं वैसे ही करना है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन समझना जरूरी पड़ जाता है, ठीक है यहां पर बोलता है क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है ए कारपेंटर मेड ए चेयर, ही वर्क ऑन इट फॉर 3 आवर एंड 15 मिनट एंड अगेन फॉर 4 आवर एंड 36 मिनट, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू मेक द चेयर। इसका मतलब ये है कि कारपेंटर जो है एक चेयर बना रहा है, सबसे पहले वो 3 घंटा 15 मिनट काम करता है, उसके बाद चेयर को बनाने के लिए फिर से काम करता है जो कि 4 घंटा एंड 36 मिनट का, ठीक है 4 आवर्स एंड 36 मिनट का, तो टोटल टाइम उसने कितना लिया बोलता है एक चेयर को बनाने के लिए, तो टोटल टाइम निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, हमेशा हम प्लस करते हैं, इसमें भी वही करेंगे, हमें प्लस करना है 3 आवर 15 मिनट, ठीक है एंड 4 आवर 36 मिनट प्लस कर दो, कितना होता है ये हो जाएगा आपका 5 प्लस 6 11, 1 कैरी आएगा यहाँ पे 1, मिनट की जगह मिनट उतरेंगे, दिस इज 5 एंड दिस वन इज 7, तो टोटल कितना होता है 7 आवर टाइम का पड़ता है, ठीक है तो हम लोग देखेंगे कारपेंटर टुक 7 आवर 51 मिनट टू
टू मेक अ चेयर, मेक अ चेयर, ठीक है, एक कुर्सी बनाने के लिए उसको 7 hours and 51 minutes की जरूरत पड़ती है। सिमिलरली आप कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 भी, रमेश स्टडीज फॉर 3 hours 10 minutes इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में वो 3 hours 10 minutes के लिए पढ़ता है, एंड फॉर 2 hours and 20 minutes इन द इवनिंग, और इवनिंग कभी वो 2 hours 20 minutes के लिए पढ़ता है, हाउ मच टाइम डज ही स्पेंड स्टडी, तो पढ़ाई में उन्होंने टोटल कितना टाइम लिए, ठीक है, तो ये दोनों को भी ऐड करना है बिल्कुल इसी जैसा क्वेश्चन नंबर 1 जैसा। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है वर्कर वॉज हायर्ड टू वर्क फॉर 7 hours and 30 minutes, मतलब बोलता है कि एक वर्कर जो है उसको कहा गया हायर, मतलब कि कहा गया फॉर, कहा गया तो नहीं, उसको रखा गया, ठीक है, 7 hours 30 minutes के लिए काम में रखा गया, तो उन्होंने कहता है कि एंड ही वॉज वर्क फॉर 2 hours and 10 minutes, तो उन्होंने सिर्फ 2 hours and 10 minutes के लिए काम किया, हाउ मच लंगर ही हैव टू वर्क, और उसको कितना टाइम और भी काम करना पड़ेगा, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें सब्ट्रैक्शन होगा क्योंकि उसको रखा गया है 7 hours and 30 minutes के लिए, काम अब तक किया है सिर्फ 2 hours and 10 minutes के लिए, मिनट मिनट, ठीक है, तो माइनस कर लो इतना तक काम हो चुका है, बाकी को कितना करना पड़ेगा उसको, ये हो गया 30 से 10 जाएगा 20 minutes, एंड 7 से 2 जाएगा 5 hours, ठीक है, तो टोटल उसको अभी भी वर्कर, ए वर्कर लिखना है, ए वर्कर हैज टू वर्क 5 hours and 20 minutes मोर, 5 hours and 20 minutes मोर, मतलब कि उसको और भी 5 hours 20 minutes काम की जरूरत है। ये था क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं, फिल्म ऑन द टीवी स्टार्ट्स एट 5:15 PM, तो क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि 5:15 में टीवी शुरू हुई और टीवी आपका लास्ट हुआ 2 hours 30 minutes में, द फिल्म लास्ट फॉर 2 hours and 30 minutes, व्हाट डज द फिल्म, व्हेन डज द फिल्म फिनिशेस, और फिल्म फिनिश, ये फिल्म कब खत्म होता है, ठीक है, तो ये बोलता है कि 5:15 PM, तो इस चीज को भी हमें लिख सकते हैं कि यहां पर हम लिखेंगे दिस इज इक्वल टू क्या होता है ना 5 hours 15 minutes, ओके, डोंट बी हेजिटेट और डोंट बी कंफ्यूज, ये इस तरह होता है, उसके बाद वो 2 hours 30 minutes में खत्म हो जाता है, 2 hours and 30 minutes में खत्म हो जाता है, ठीक है, माइनस कर दो कितना होगा 5, 1 से 3 पॉसिबल नहीं है, यहाँ से 1 ले आओ, ये हो जाएगा 11, 11 से 3 जाएगा तो कितना होगा 8 होता है, ठीक है, 8 होता है, और यहाँ 2 से 2 जाएगा, 4 से 2 जाएगा तो 2 hours होता है, ठीक है, इसमें हम लोग को ये हो गया 5, तो कब खत्म होना चाहिए 15, इसको इस तरह से करते हैं, ठीक है, इसको इस तरह कैलकुलेट करो, सबसे इजी रहेगा, कि 5:15
ट्वेल्व सिक्स थ्री नाइन वन टू फोर फाइव सेवन एट टेन इलेवन, ठीक है। तो फाइव फिफ्टीन को शुरू हुई, यहां पर शुरू हुई, ठीक है। फिर खत्म कब होता है इसका, दो घंटा। तो पांच का दो घंटा क्या पड़ता है, सेवन। सेवन कितने में खत्म होता है, सेवन थर्टी में खत्म होता है, ट्वेल्व सिक्स थ्री नाइन फाइव फोर वन टू इलेवन ट्वेल्व इलेवन टेन इलेवन एट सेवन। तो ये खत्म होता है आपका सेवन थर्टी में, ठीक है। सेवन थर्टी पी एम को खत्म होता है। तो बोलता है कि कौन सा टाइम में आपका फिल्म खत्म होता है, सेवन थर्टी को, ठीक है। पंद्रह दिस इज फिफ्टीन और ये शायद सेवन थर्टी को ही खत्म होता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सिक्स सेवन थर्टी फिफ्टीन है यहाँ पर और दो घंटा हो गया सेवन, उसके बाद और आधा यहाँ पर फिफ्टीन गया था तो फिफ्टीन से और आधा आया, ठीक है। तो होता है आपका फोर्टी फाइव में, ठीक है। प्लस कर दो इसको, प्लस कर दो, आंसर आपका सामने आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका फाइव दिस इज फोर फोर्टी फाइव मिनट एंड सेवन आवर, तो सात बजकर पंद्रह मिनट है, हेंस द फिल्म फिनिशेस एट सेवन फिफ्टीन, ठीक है। तो ऐड करने से आपको मिल जाता है, ठीक। सॉरी फॉर टेकिंग सो मच टाइम टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ए बॉय केम टू द स्कूल एट 10:40 एएम, ही वाज लेट बाय वन आवर, ठीक है। व्हाट टाइम डिड द स्कूल स्टार्ट, एक बालक है जो कि 10:40 एएम में स्कूल आता है और वो एक घंटा लेट हो जाता है, ठीक है, एक घंटा लेट हो जाता है। तो स्कूल कितना बजे शुरू हुआ है, माइनस कर दो जीरो जीरो, सॉरी दिस इज 40 एंड दिस इज व्हाट 9, तो 9 आवर 40 मिनट पर स्कूल शुरू हुई थी, राइट। हैज द स्कूल स्टार्ट एट 9:40, ओके। इस तरह से आप एक्सरसाइज 60 एंड 61 को कोशिश कीजिए, बाकी एक्सरसाइज को भी कोशिश कीजिए एंड क्वेश्चन आंसर विल बी गिवन सून। डिस्क्रिप्शन के साथ आपको क्वेश्चन आंसर दिया जाएगा, जो जो बच्चा कंप्लीट कर चुका होगा वो आराम से और बड़ी आसानी से उसका आंसर खुद को चेक कर सकता है। थैंक यू, हैव ए गुड डे।